मात्राएं सीखी, तो कौन सी सीखी? पिछले पार्ट में हमने बड़े ऊ की मात्रा सीखी, आज हम छोटे ऊ की मात्रा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? छोटे ऊ की मात्रा। तो चलिए जानते हैं कि इसका चिन्ह कैसा होता है और ये कैसी होती है। तो कैसे होती है? पार्ट 8 है हमारा, छोटे ऊ की पहचान। आज हम क्या सीखने वाले हैं? छोटे ऊ की पहचान। तो छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, है ना? कैसा होता है? ऐसा। आपको आपके पाठ्यपुस्तक में भी अच्छे से उसको देखना है, ठीक है? किस पर लगती है मात्रा है बच्चों? मात्रा लगती है स्वरों पर। किस पर लगती है? व्यंजनों पर लगती है। स्वरों की मात्रा व्यंजनों पर लगती है। देखते हैं, अब गतिविधि है। आपको क्या दी गई है? गतिविधि। यह उल्लू अपना रास्ता भूल गया है। क्या हो गया है? अपना रास्ता भूल गया है। रेखा खींचकर उसे पेड़ तक पहुंचाने का मार्ग बताइए। उसे क्या करना है? हमें पेड़ तक पहुंचाने का मार्ग बताना है। कौन बताने वाला है? आपको। आपको पता है आपको पजल बहुत पसंद है ना, तो उसी तरह का पजल है ये। तो आपको क्या करना है? ये उल्लू बेचारा है ना, आपके जैसा, आप कैसे बेचारे हो वैसा ये उल्लू भी बहुत बेचारा है। तो क्या घूम गया है? घर भूल गया है। क्या उसका? वो घर भूल गया है। आपको क्या करना है उस घर को? उसे यहाँ से उसको मार दिखाना है, ठीक है? देखते हैं आगे का प्रश्न। अब हमें क्या जानना है कि ऊ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण सीखने की बात क्या है हमारे लिए? तो उसका चिन्ह। क्या महत्वपूर्ण है? चिन्ह। तो चिन्ह, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब हमें ये शब्द हम जब ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि इसकी मात्रा कैसे होती है। जैसे द, द जमा उ जमा म जमा अ। अब मुझे बताइए द पूरा है क्या? नहीं। क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि यहाँ पर हलंत का चिन्ह लगा है। किसका चिन्ह लगा है? हलंत का चिन्ह लगा है। तो फिर क्या हुआ? दू म, म में अ की मात्रा है, तो कोई मात्रा होती है क्या अ की? नहीं। तो क्या बनेगा? दुम। देखिए ये बिल्ली है और उसको ये जो ये होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? दुम। क्या कहते हैं? दुम। तो शब्द क्या बना? दुमी, दुम। ये क जमा उ जमा ट जमा ई जमा य जमा आ। तो क्या बनेगा शब्द? कु, उ की मात्रा का चिन्ह इस तरह से, फिर जमा ट में छोटी ई की मात्रा, जमा या में इसकी आ की मात्रा। तो आ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है? एक डंडा। क्या होता है? एक डंडा। तो क्या बनेगा? कुटिया। क्या शब्द बनेगा? कुटिया। कुटिया यानी क्या होती है? जैसे झोपड़ी होती है ना छोटी सी, उसे क्या कहते हैं? कुटिया। फिर है एक सुंदर सी, क्या दिखाई दे रही है आपको? लड़कियों को तो बहुत ही पसंद होती है। क्या है ये? गुड़िया। क्या है? गुड़िया। ग जमा उ जमा ड ड जमा ई जमा य जमा आ। इनमें सब में क्या लगा हुआ है? जो व्यंजन है उसमें क्या लगा है? क्या लगा है? बराबर हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत। तो जमा ऊ का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। जमा अड़ी, अड़ी में छोटी ई की मात्रा, जमा आ की कैसे मात्रा होती है? एक डंडा। तो क्या बना? गुड़िया। क्या बना? गुड़िया। अब देखते हैं अब क्या कहा गया है? बोल बोल कर पढ़िए। क्या कहा गया है? बोल बोल कर पढ़िए। तो पढ़ते हैं हमें क्या करना है, पता है? आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका पाठ्य पुस्तक निकालना है, ठीक है? फिर पाठ्य पुस्तक निकालने के बाद आपको क्या करना है? हमने आज कौन सी मात्रा सीखी? हमने सीखी छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा जिन जिन शब्दों में लगी है ना, उन शब्दों को हमें क्या करना है, या उन वर्ण को क्या करना है? बोल करना है, ठीक है? अभी देखो चुप, चुप में यहाँ पर लगी है, तो आपको क्या करना है? पेंसिल लेनी है और पाठ्य पुस्तक में, किसमें? पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर बोल करना है। तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे क्या छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह कैसे होता है। तो चुप, सुन, अब इसमें कहाँ पर लगी है? यहाँ पर। पशु, मधु, तुम, शुभ, चूहिया, गुलाब, बटुआ, कछुआ, कुर्सी, उलिया, बुलबुल, मुसीबत, मुलायम, चुलबुला, फुलवारी, गुमसुम। अब यहाँ पर जहां जहां भी आपको क्या दिखाई दे रही है? छोटे ऊ की मात्रा, इसकी छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह जिस जिस व्यंजन में लगा है, उसी व्यंजन में आपको क्या करना है? गोला लगाना है। क्या करना है? गोला लगाना है। देखते हैं आगे आप क्या रखा है। तो अब क्या है,
हमें कहानी दी गई है। क्या दी गई है? कहानी दी गई है आपको, हमें क्या करनी है वो पढ़नी है और अच्छे से समझनी है। जैसे क्या कर, कहानी पढ़िए और समझिए। अब देखिए कुछ शब्द यहाँ पर अलग रंग के दिए हैं, आपने पाठ्य पुस्तक में देखा है। कौन से रंग का दिया है? लाल रंग का। क्यों दिया है? क्योंकि हमें कौन सी मात्रा सीखनी है? छोटे ऊ की। देखिए, एक बार एक मुर्गी थी। क्या थी? एक बार एक मुर्गी थी, तो मुंह में क्या लगी है? छोटे ऊ की मात्रा। तो इसके लिए एक रंग कैसा दिया है? लाल रंग दिया। उसका नाम था कुकड़ी। क्या नाम था उसका? कुकड़ी। उसकी एक सखी भी थी। उसकी क्या थी? सखी भी थी। सखी यानी क्या? सहेली। क्या होती है सखी? यानी सहेली। जिसका नाम था गुलाबी। उसका नाम क्या था? गुलाबी। तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर रंग दिया है, यानी हमें कौन सी मात्रा सिखा रहा है ये कहानी? छोटे ऊ की। कौन सी मात्रा सिखा रहा है? छोटे ऊ की। गुलाबी कुकड़ी बहुत चतुर थी। गुलाबी कुकड़ी, कुकड़ी क्या थी? बहुत चतुर थी। और गुलाबी बहुत चुलबुली थी। क्या थी? गुलाबी बहुत चुलबुली थी। कैसी थी? चुलबुली थी। गुलाबी दाना चुग रही थी, यानी दाना खा रही थी। क्या रही थी? खा रही थी। कि अचानक वह मिर्ची खा गई। क्या हो गया? अचानक मिर्ची खा गई। उसका मुख, मुख यानी मुंह, उसका मुख जल गया। उसकी सखी, अब उसकी सखी क्या कौन थी? कुकड़ी। गुड़ खा गई, गुड़ लाई। गुड़ यानी गुड़ होता है ना हमारे घर पे, गुड़ शक्कर, शक्कर के पूरन पोली में डालते हैं हम, उसे क्या कहते हैं? गुड़। तो गुड़ लाई, गुड़ खाकर गुलाबी का मुख सही हुआ। क्योंकि गुड़ खा, गुड़ कैसा होता है? उसका ये कैसी होती है? टेस्ट कैसी होती है? स्वाद, स्वाद कैसा होता है उसका? स्वाद क्या होता है? मीठा होता है। तो फिर वो क्या हो गया? उसका मुख सही हो गया। अब गुलाबी खुश थी। अब क्या थी? गुलाबी खुश थी। और कुकड़ी भी खुश थी, क्योंकि कुकड़ी और गुलाबी क्या थे? एक दूसरे की सखिया थी या सहेली थी, है ना? इसके वजह से इस तरह से हमने क्या देखा? तो यह कहानी इसलिए दी गई है आपको, केवल आपको क्या सीखना है इस कहानी में से? इस कहानी में से आपको केवल ये जो मात्रा, ये जो रंग भरे शब्द है ना, उस रंग भरे शब्दों में छोटे ओ की मात्रा का चिन्ह है। क्या है? छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह, जो उसका मुंह भी जानना है किस तरफ से है। उसका मुंह किस तरफ से? इस तरफ से नहीं लगती है। और कहाँ पर लगती है? शब्द के पैर पर। किस पर लगती है? शब्द के पैर पर। यह बात हम जब यह कहानी पढ़ रहे हैं तब आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है? अब आपको इस तरह से अच्छे से क्या समझ में आ रही है? ऊ की पहचान। आपको इस मात्रा में कोई अड़चन नहीं आएगी या समस्या नहीं आएगी, ठीक है? और इसके लिए क्या करना है आपको? पाठ्य पुस्तक में जो मैंने, मैं वीडियो जब चल रहा था तब बताया था ना कि पाठ्य पुस्तक में आपको क्या करना है? उन शब्दों पर पेंसिल से गोला लगाना है, ठीक है? जहां पर ऊ की मात्रा लगी है, जहां पर क्या लगी है? ऊ की मात्रा लगी है। बाय बाय, फिर मिलेंगे।